ओम शांति। आज 29 नवंबर 2024, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे साय 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिसमें आप प्रातः साय रोजाना जुड़ सकते हैं। यदि आपको इसमें जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप सामने वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, जिस पर आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके लिंक पुनः मंगवा सकते हैं। और यदि आपको कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और यदि आपके पास कोई सुझाव है हमारे लिए तो वो भी आप भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्री मत पर चलो। शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्री मत पर चलो। श्री मत पर चलना माना बाप का कदर करना, बाप का कदर करना, इज्जत करना, सम्मान देना। यदि आप बाप का कहना ही नहीं मानते तो बाप का आप कदर नहीं जानते, सम्मान नहीं जानते, इसलिए बाबा का कदर करना है। कदर उर्दू का शब्द है, आदर कह दो, सम्मान कह दो, और आदर और सम्मान प्रमाण होता है प्यार का। जिससे प्यार होता है उसी का ही आदर सम्मान किया जाता है, जिससे प्राप्ति होती है उसका आदर और सम्मान किया जाता है, जिससे कुछ प्राप्ति नहीं उसका आदर सम्मान भी नहीं हो सकता। प्रश्न, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं। बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? ऊंचे से ऊंचा बाप को अपना बच्चा बना देना, परमपिता परमात्मा को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर कुर्बान जाना। परमात्मा जो सारे संसार का दाता है उसको बच्चा बना, उसको अपना बच्चा बना लेना, और अपना तन मन धन उस पर कुर्बान कर देना, ये बच्चों की जादूगरी, ये बच्चों की चलाकी। समझ में आ रही है? बाबा की चलाकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, चलाकी देखो ना, हम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, परंतु हमारी तरफ से आपे ही कह रहा है, हमें हमें मक्खन लगा रहा है अच्छी तरह से कि तुम बड़े जादूगर हो, तुमने मुझे अपना बच्चा बना लिया। अब जिसने बनाया हो उसको तो पता लगे, जिसने बनाया नहीं उसको भी जबरदस्ती बनवा रहा है, भाई बना ले तू भी मेरे को, बड़े जादूगर बन जाएगा।
मेरे से भी बड़ा जादूगर बन जाएगा। मेरे को चलाकी दिखाई देती है बाबा की, कितना चलाक है। कोई करना चाहे ना करना चाहे, देना चाहे ना देना चाहे, परंतु ये सुन करके सोचेगा भाई तो अब तो मैं जादूगर बन सकता हूं, है कि नहीं? हाँ, नहीं बनाया तो आप बना लू। हाँ जी, हाँ मतलब चलाकी देखिए ना कि हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं उसकी कोई मतलब नहीं, परंतु वो हमें कह करके हमें जो सोचेगा, यार सारे बाबा को अपना बच्चा बना रहे हैं, सबने तन मन धन बाबा पर कुर्बान कर दिया, मैं भी कुर्बान कर देता हूं। युक्ति युक्ति है बाबा की, वंडरफुल युक्ति है। ये बच्चों की जादूगरी है जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं, फिर इनका फायदा क्या होता है ऐसी जादूगरी का? वो फिर 21 जन्मों के लिए बाप के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं, देते हैं गंदी दुनिया का किसी भी काम में ना आने वाला धन, बीमार तन, गंदा मन, और बाबा उनको क्या देता है? 21 जन्मों के लिए स्वस्थ तन और पवित्र शुद्ध मन और ऐसा धन जो उन्हें किसी भी चीज की जरूरत ही ना रहे, कभी भी ना खत्म होने वाला अखुट ज्ञान का खजाना। स्थूल धन नहीं देता, है नहीं उसके पास स्थूल धन, रुपए पैसे तो है ही नहीं उसके पास। ज्ञान धन देते हैं, और कौन सा धन देते हैं? संतुष्टता का धन। सबसे बड़ा खजाना है संतुष्टता का। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। प्रश्न, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? किसको याद है ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल किसे कहा जाता है, किसको पता है? कोई ऐसा केस आ जाता है जो हमारे संविधान में उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है, ऐसी अवस्था में 3, 5, 7, 9, 11, 21 मतलब ओड नंबर में जज बिठाए जाते हैं, क्योंकि जिस फैसले को एक ही जज कर सकता है यदि संविधान के अंदर उसके बारे में लाइन क्लियर है। जिन बातों पर लाइन क्लियर नहीं होती तो 3, 5, 7 इस ओड नंबर में बिठाए जाते हैं। फिर क्योंकि तीन जज दो जज हो तो एक कहेगा ऐसे तो एक कहेगा ऐसे, तो फिर फैसला तो नहीं होगा ना, तो इसलिए हाँ, तो इसमें क्या होता है कि यदि जो भी फैसला होगा बहुमत से होगा, यह बात आती है। तीन जज हैं तो एक जज वो बोलेगा तो दो जिस पक्ष में होंगे उस पक्ष को मान लिया जाएगा, यदि वहां फैसला नहीं होता तो फिर पांच को बिठाया जाएगा। तो ये ट्रिब्यूनल बैठती है उन केसेस के बारे में जो टिपिकल केस हो। अब यहां ट्रिब्यूनल किन के लिए बैठेगी? जो दान की हुई चीज को वापिस लेने का संकल्प करते। अच्छे अच्छे बच्चे पहले तो दान कर देते हैं, फिर कहते हैं वापिस कर दो, हम नहीं देते। वापिस लेने का संकल्प करते हैं, लिया नहीं है, बात नहीं हुई है, सिर्फ संकल्प किया है कि ये वापिस ले लूं। माया के वश हो जाते हैं, डिसर्विस करते हैं, उनों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। उनों के लिए क्या बैठती है? ट्रिब्यूनल बैठती है, ताकि
उनको क्या सजा दी जाए, क्या किया जाए, उनको क्या फैसला किया जाए उसके लिए, तो ट्रिब्यूनल बाबा करे विशेष कोर्ट का बैठना, विशेष फैसला देना। परंतु यहां ऐसा कोई नहीं है कि जो बाबा 3 जज 4 जज 5 जज 21 जज बिठाए और किसी का फैसला किया जाए। यहां तो फैसला ही 1 सेकंड में होना है, फिर ये ट्रिब्यूनल का क्या मतलब है? ट्रिब्यूनल का मतलब है कि इस घटना से जो भी कर्म उसने किया है उसमें एक से अधिक आत्माएं क्या हुई हैं, प्रभावित हुई है, फीलिंग में आए, दुखी हुए। अब मेरे कर्म से एक से अधिक जितनी भी आत्माएं, वो चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, यहां हमारी और नंबर की कोई बात, वो अपना अपना हिसाब किताब बराबर करेंगे। यहां तो सीधा सा एक नियम है कि जो मैंने किया है, जो मैंने दिया है, वो मुझे लेना है, वो मुझे लेना है, और लेना है सुख और दुख के रूप में। जितना किसी को सुख दिया है उतना सुख लेना है, जितना दुख दिया है उतना दुख लेना है। यहां कोई मेरा वो नहीं दी जाती, बाकी तर्क तो देते रहेंगे, क्योंकि जो भी मतलब मान लो कि किसी ने एक प्लाट दे दिया है, अब वहां पर जो भी जिन आत्माओं को प्लाट दिया गया, जो आत्माएं उसके रूबरू होंगे, वो आत्माएं अपने अपने तर्क देते रहेंगे, देते रहो, फैसला तो वही होना है ना, वो भी तर्क देगा, वो भी तर्क देंगे, वो आपस में करते रहेंगे, फैसला वही होना है कि कार्मिक अकाउंट बराबर, वरना वो कार्मिक अकाउंट कैसे बराबर करें? एक दूसरे को जो भी दोष लगाने हैं, जो भी फीलिंग देनी है, जो भी शब्द बोलने हैं, जो भी व्यवहार करना है, वो कैसे करेंगे? तभी तो हिसाब बराबर होगा, उसमें अनेक आत्माओं का एक साथ अपना हिसाब बराबर होता है। ओम शांति। रूहानी विचित्र, एक तो रूहानी, दूसरा विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश का रहने वाला जिसको परम पिता परम आत्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं वे पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं, कहना नहीं पड़ता है कि हे बच्चों टीचर से योग रखो वा उनको याद करो, नहीं। यहां बाप कहते हैं हे रूहानी बच्चों, यहां तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, इनके साथ योग रखो। इनके साथ योग रखो मतलब इनका कहना मानो, अर्थात बाप को याद करो। यह है विचित्र बाप, इसका कोई हमारे जैसा चित्र नहीं जो हम देख सके या किसी को दिखा सके, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विचित्र। तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि तुम कहना मानना भूल जाते हो। इसलिए कहना पड़ता है पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये ला नहीं कहता,
ये ला नहीं कहता जो टीचर कहे मेरे को देखो, टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फायदा है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, इस याद के बल से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं, बच्चे भी अपने को आत्मा, अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को ही याद करते, विचित्र बाप को ही याद करते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, मैं तो सारा कल्प शरीर में आता नहीं, सारा कल्प शरीर में आता नहीं, सिर्फ इस संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूं। झूठ बोलता है ना बाबू, झूठ नहीं बोलता, नहीं। बाबा कहता है मैं भक्ति में साक्षात्कार कराने आता हूं भक्तों को, तो झूठ हुआ ना। एक बात ही तो सच हो सकती है ना, दो बातें तो सच नहीं हो सकती ना, नहीं। भक्तों को मैं भक्ति में साक्षात्कार कराता हूं, एक मुरली में बोलते हैं ऐसे और अब बोलते हैं ऐसे, आप कौन सी बात माने, कौन सी बात सच्ची? बात तो बाबा की संगम वाली हमने तो बार बार सुनी है, पढ़ी। मतलब भक्तों को बाबा को साक्षात्कार कराने के लिए आने की जरूरत ही नहीं, नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार तो हर आत्मा ने जिस मूर्ति के आगे सारा दिन बैठा रहेगा वही वही उसको दर्शन मिल जाएंगे। वो सपने में भी देखेगा, जागते भी देखेगा, दूसरी को क्यों देखेगा, जिसको उसने देखा नहीं सपना उसी को आएगा ना, ठीक है। तो इसलिए बाबा कहते मैं साक्षात्कार नहीं कराता, मैं ये काम मेरा नहीं है, साक्षात्कार मैंने क्या कराना है, वो साक्षात्कार की चाबी मेरे पास है। किस काम की है चाबी, वो कौन सा साक्षात्कार है जिसकी चाबी शिव बाबा के पास है, करवाता है शिव बाबा साक्षात्कार, करवाते हैं भाई जी संगम पे, बाबा संगम पर साक्षात्कार करवाते हैं। कैसे करवाएंगे साक्षात्कार, बाबा समझानी देते हैं। अच्छा, समझानी देते हैं, ये समझाना ही साक्षात्कार है, बाकी बाबा ऐसे कोई चित्र आकृतियां दिखाए ऐसा कुछ नहीं, कभी वो आ गए या लक्ष्मी फिल्मों में और जो है ये ड्रामा में ये दिखाते रहते हैं। हाँ, जहाँ पूजा कर रहा है वहीं पर शिव प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, परंतु ऐसा बाबा कहते नहीं होता, ये साक्षात्कार नहीं होता, साक्षात्कार आ जाता है भाई, वो क्या होता है जी, इसके शरीर में प्रवेश करके आत्मा कोई जैसे भटकी हुई आत्मा कोई एक्सीडेंट वाले से जो जिसका बैलेंस रह जाता है वो हिसाब किताब दिखाता है ना, तो बाबा नहीं दिखाता। मैंने किसी को दुख दिया हुआ है, अब वो आत्मा किसी कारण से वो दुख मेरे से बराबर नहीं कर सकी, या सुख दिया हुआ है वो मेरे साथ बराबर नहीं कर सकी, अब वो शरीर लेकर के भी बराबर नहीं कर पा रही, तो उसका ड्रामा में हिसाब बना हुआ है कि कोई बात नहीं, तुम सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपना हिसाब बराबर करना। तो वो आत्मा
अपना स्थूल शरीर छोड़कर आती है और उसे उस रूप में दिखाई देती है जिस रूप में उसका हिसाब किताब था। अब वो आकर उसे खुशी या दुख का अनुभव कराती है। अब वो आत्मा आई है, इसमें परमात्मा को क्या जरूरत पड़ी है कि उसकी शक्ल दिखावे? परमात्मा कहते मेरा क्या रोल है भाई, अपने हिसाब किताब कर रहे हो। हाँ, जिसका आपने हिसाब किताब लिया दिया हुआ है वही तो आपको मिलोगे। तो बाबा ये कोई साक्षात्कार नहीं कराते, ना विष्णु का कोई साक्षात्कार कराते, ना नारायण का कराते, ना ब्रह्मा का कराते। दुनिया वाले करते, परंतु जो दुनिया वाले करते अपने कर्म अनुसार करते, ठीक है कि नहीं? हर एक आत्मा ने अपने कर्म अनुसार जो भी देखना है या दिखाना है वो करेंगे। हाँ जी, माँ बाबा को साक्षात्कार होते तो वो कैसे होते थे? विष्णु के, रघुनाथ के, कृष्ण के साक्षात्कार होते थे, माँ बाबा को वो कैसे होते थे? जो विष्णु का चित्र उन्होंने देखा हुआ है वही विष्णु उनको दिखाई देगा, और वो दिखाई देगा, समझाने का काम शिव बाबा करेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि आप जो ये विष्णु चतुर्भुज का चित्र देख रहे हो इसके राज क्या हैं? इसके चारों हाथों का क्या मतलब है? तो आप विष्णु जो प्रिंट किया हुआ वो देखेंगे या आप अपने आप भी समझ सकते हैं? बेशक उस समय हमारे पास कोई चित्र आपको दिखाने के लिए ना हो, और मैं आपको कहता हूं कि आप विष्णु चतुर्भुज को याद करो, देखो इसका राज क्या है। मैं तुम्हें समझाता हूं, मैं उसके चारों अलंकारों के बारे में मैं आपको बताऊं। तो आपको विष्णु का चित्र दिखाई देगा और विष्णु के बारे में आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने स्थूल दुनिया में विष्णु चतुर्भुज को देखा हुआ है। शिव बाबा का भी है, शिव बाबा को भी हम आराधना करते हैं, तो वो भी करते हैं। बाबा तो यही तो बात समझा रहा हूं कि शिवलिंग भी कोई शिव बाबा तो नहीं है, नहीं है, ये रेड लाइट जो जला रखी है, चित्र दिखा रहे हो, विष्णु तो नहीं है। हाँ, मैं भक्ति मार्ग के जो चित्र देखे हुए हैं उनके बारे में समझाते हुए मैं जब उस चित्र का जिक्र करूंगा तो आपको वो दिखाई देगा ना, ठीक है? तो इस प्रकार से बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में उस आत्मा ने प्रवेश कर विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार कराया, अर्थात विष्णु चतुर्भुज के बारे में बताया। एकदम सारे राज ब्रह्मा बाबा के आगे नहीं खोल दिए, तो बाबा ने साक्षात्कार कराया, कोई ऐसे नहीं के साक्षात्कार हो जाए। बाकी ऐसे साक्षात्कार कोई बात सुन लेते हैं तो उसके बाद भी साक्षात्कार हम उस चित्र को देखते हैं। बाबा ने कह दिया, अब जैसे हमने आपको कुछ बता दिया तो आप उसके बारे में बाद में उस चित्र को देखते हैं, उस प्रकार से इमेज करते हैं कि ये ऐसा होगा। तो ये सारी बातें शब्दों के द्वारा, इसको शब्द चित्र भी कहा जाता है हमारी हिंदी में, साहित्य का जब एमए करते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है शब्द चित्र, मतलब शब्दों के द्वारा चित्र खड़ा कर देना। जैसे कमेंट्री करते हैं तो कमेंट्री के द्वारा जो कुछ कमेंट्री करने वाला बोलता जाता है वो दिखाई देता जाता है,
उसने कहा मैं बादलों के ऊपर, बस बादल आ जाते हैं, उसको लगता है कि मैं बादलों के ऊपर जा रही हूँ, सूरज चांद तारों से भी ऊपर जा रही हूँ, तो उसे लगता है सूरज चांद तारे गए नीचे, मैं कहाँ पहुंच गई, उससे भी ऊपर, या समुद्र के ऊपर मैं किनारे पर बैठी हूँ, लहरें आ रही हैं, तो अपने आप समुद्र भी आ गया, लहरें भी आ गई, सब दिखाई देने लग जाते हैं। मतलब इसी प्रकार से इसको कहा जाता है शब्द चित्र, मतलब शब्द ऐसे उच्चारण करना कि साम श्रोता को उनका चित्र दिखाई देता रहे। ये अच्छी रीति याद करना है, बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है, विचित्र है, बाप भी है टीचर भी है सतगुरु भी है, परंतु क्या है, विचित्र है, उनको अपना शरीर नहीं है, वे आते कैसे हैं, फिर आते कैसे हैं, कहते हैं मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है, प्रकृति माना शरीर, मुझे शरीर का आधार लेना पड़ता है, मैं तो विचित्र हूं। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं तो विचित्र हूं, तुम चित्र वाले हो, तुम चित्र वाले हो, मुझे रथ तो जरूर चाहिए, मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, वो घोड़े गाड़ी वाले रथ में तो नहीं आऊंगा, तो कौन से रथ में आएंगे, ये शरीर रूपी रथ में। इसे रथ क्यों बोल रहे हैं बाबा, क्योंकि गीता पढ़ने वाले ये बात जानते हैं, गीता में लिखा गया शरीर है रथ, आत्मा है रथी, जब आत्मा रथी नहीं होता तो इसे कहते हैं आरथी। बाप कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूं, जो नंबर वन है वही फिर नंबर लास्ट बनता है, जो नंबर वन है फर्स्ट है वही लास्ट बनता है, फर्स्ट कब बनता है और लास्ट कब बनता है, लास्ट होता है, कृष्ण बनता है तो सेकंड हो जाता है, फर्स्ट बनता है, कृष्ण होता है तो भी फर्स्ट, विष्णु होता है तो भी फर्स्ट, ब्रह्मा विष्णु व श्री कृष्ण एक ही सेकंड में, उसी सेकंड में वो लास्ट भी होता है, उसी सेकंड में वो फर्स्ट बनता है, उसको क्या कहेंगे संगम पर। संगम पर ब्रह्मा बाबा एक सेकंड के अंदर ही, इधर ब्रह्मा है उसी सेकंड में विष्णु व श्री कृष्ण बन जाता है। दुनिया वाले कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो विष्णु व श्री कृष्ण को ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगता है, 5000 विष्णु को या श्री कृष्ण को ब्रह्मा बनने में 5000 साल लगते हैं, और नारायण को ब्रह्मा बनने में उसको भी 5000 साल ही लगते हैं। कृष्ण की आयु और नारायण की आयु बराबर होती है क्या, नहीं नहीं, फिर कम क्यों नहीं किया, कम होती है, कितनी, 35-35 साल, हाँ 30-35 या 25-30 साल, कृष्ण पहले आएगा ना,
तो नारायण की तो उतना टाइम कम हो जाएगा ना, और हमें बहुत एक्यूरेट तो वही है। आदमी तो वो देवता बन रहा है, वो है तो वही एक ही है ना। परंतु कृष्ण जो है, कृष्ण से नारायण जो है 30-35 साल छोटा है। ओके ये पढ़ाई बड़ी टेढ़ी है, कटवा पहाड़े पूछ रहा है बाबा। जब आप पैदा हुए थे और जब आप फौज में भर्ती हुए थे तो दोनों में, दोनों टाइम पर उम्र बराबर थी क्या? बराबर नहीं था। तो कृष्ण बच्चा पैदा हुआ है तब वो कृष्ण है, और जब बड़ा हो गया है परम धाम से वापिस आकर के शरीर पहन करके खड़ा हुआ 30-35 साल बाद, तो नारायण तो बड़ा हुआ ना। इसलिए बाबा कहते कृष्ण पवित्र है नारायण से, कृष्ण की पूजा होती है नारायण की उतनी पूजा नहीं होती। तो ये अंतर आ गया ना, क्योंकि कृष्ण तो पवित्र है, उसको तो कुछ बच्चा है ना, और नारायण को तो पता है बड़ा हो गया है, चालाकियां कुछ ना कुछ तो आ ही गई है। ये अंतर है, ये कृष्ण और नारायण में अंतर है। मैं इस तन में प्रवेश करता हूं जो नंबर वन है, वही फिर नंबर लास्ट बनते हैं, जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं, तो उन्हों को ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते, बाप समझाते इस रावण राज्य में पांच विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। बच्चों को यह याद रखना है कि हमको विचित्र बाप पढ़ाते हैं। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप भस्म कैसे होंगे? ये बातें भी सिर्फ अभी संगम युग पर ही सुनते हो। एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प बाद वही होता है, एक बार जो होता है वही कल्प के बाद होता है, रिपीट हो तो होगा। कितनी अच्छी समझानी है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। यह कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है, उनको बाप भी कहते हैं तो बच्चा भी कहते हैं। तुम जानते हो ये हमारा बाप भी है, बच्चा भी है, हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लेते हैं। कीचड़ पट्टी सब देते हैं, क्या देते हैं बाबा को? कीचड़ पट्टी सब दे देते हैं, और फिर लेते क्या है? विश्व की बादशाही। कहते हैं बाबा हमने भक्ति मार्ग में कहा था कि जब आप आएंगे तो हम आप पर तन मन धन सहित वारी जाएंगे। लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते हैं ना, तो यहां तुमको ये कैसा विचित्र बाप मिला है, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। कितनी लंबी मुसाफरी है, कितनी लंबी मुसाफरी है। बाप आते देखो कहां है, पुराने रावण राज्य में आते हैं। कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना है ही नहीं। ये कौन कह रहा है? शिव बाबा। मेरी तकदीर में पूरे कल्प में पवित्र शरीर मिलना है ही नहीं, लिखा ही नहीं गया। किसने लिखा था इसका भाग्य? किसने खुद लिखा, किसी और ने लिखा? अब दोष लगा रहा है, इसका अपना भाग्य है। हमें कहता है तुम्हारा भाग्य जो तुम्हें मिल रहा है, तो हम भी कहेंगे और लिख लेता भी। किसी ने मना किया था? किसी ने शिव बाबा को मना? हाँ जी, हाँ जी बोलो। क्या करेगा
बात सीधी सी है भाई, वो हमें चिढ़ाता है, कहते तुमने अपना भाग्य खुद लिखा है, तो हम भी कह देते अपना भाग्य आपने लिखा है भाई, लिख लेता, हमने मना तो ना किया था। जैसे हमें बाबा कहता है मैंने तो मना किया कि तुम क्यों नहीं अच्छे कर्म करते हो, श्रेष्ठ कर्म करो तो अपना पाओ। तो ये भी जो शिव बाबा को मिल रहा है अपने कर्मों का ही तो फल मिल रहा है ना, इसलिए पतित शरीर में आना पड़ता। पतितों को पावन बनाने कैसे आऊं, मेरे लिए भी तो पाठ है ना कि मैंने पतित से पावन बनाना है, तो पतित के ही तो तर में आऊंगा, पतित दुनिया में आऊंगा, पतितों को ही पावन बनाऊंगा, मुझे मिलेंगे सारे पतित ना। जब पावन होते हैं तो मेरे से मिलने का मतलब नहीं, मेरा पार्ट ही नहीं है, क्योंकि बाबा का पार्ट है पतित दुनिया को पावन बनाना। मैं ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है, तो ऐसे टीचर का कदर भी रखना चाहिए ना, इज्जत तो करनी चाहिए ना, उसका कहना तो मानना चाहिए ना। बहुत है जो कदर जानते ही नहीं, मानने की तो बात ही अलग है, जानते ही नहीं है। ये भी ड्रामा में होना ही है। राजधानी में तो सब चाहिए, राजधानी में तो सब चाहिए ना, नंबर वार, राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, सेठ भी चाहिए, सौकार भी चाहिए, गरीब भी चाहिए, दास भी चाहिए, नौकर भी चाहिए, चाकर भी चाहिए, सारे चाहिए। तो सब प्रकार के यहां ही बनते हैं, कम दर्जा पाने वाले का यहां हाल होगा, ये हाल होगा ना, क्या हाल होगा ना, पढ़ेंगे ना बाप की याद में रहेंगे, तो आप पे दर्जा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बहुत ही विचित्र बाप है ना, इनकी चलन भी अलौकिक है, इनका पाठ और कोई को मिल ना सके, चित्र में अनोखा, विचित्र, विचित्र में अनोखा। हाँ हाँ जी भाई जी, मेरा कहने को ना इनका क्यों कहने, मेरा कहने को, मेरा कहने को होता तो ये इनका क्यों कह रहे। ये बहुत ही विचित्र बाप है ना, इनकी चलन भी अलौकिक है। ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, इनका पाठ और कोई को मिल ना सके। ये बाप आकर तुमको कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो उसका कदर भी रखना चाहिए ना। ये ब्रह्मा बाबा बता रहे, अपने बारे में क्यों बोले, उसके बारे में तो कोई और बोले ना, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है, बाप कितना धनवान बनाते हैं, परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती है। माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे जो बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं, बाप का बनकर ज्ञानी बनते हैं और फिर जाकर अज्ञानी बन जाते हैं। माया का बनना माना अज्ञानी बनना। बात ही मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़कर पकड़ लेती है। अक्षर भी है ना, गज को ग्रह ने खाया,
परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझता। बाप हर बात अच्छी रीति समझ आते हैं, कई बच्चे समझते भी हैं, परंतु नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती है। बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, तो इसका भाई है ना, तो इस उनकी धारणा कर नहीं सकते। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य, जो आप मेहनत नहीं करेंगे तो उनको राज्य भाग्य कैसे मिलेगा। तो उनकी धारणा कर नहीं सकते। बाप कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है, कोई अक के फूल हैं, कोई खुशबूदार फूल हैं, वैरायटी बगीचा है ना। ऐसे भी तो चाहिए ना, राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे। राजाई यहां ही बनती है, नौकर चाकर चंडाल आदि सब मिलेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, वंदर है। पाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं तो ऐसे बाप को याद करते प्रेम के आंसू बहने चाहिए। तुम माला के दाने बनते हो ना, कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो, कैसे आकर तुम पतितों को आप पावन बनाने के लिए पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में बाल शिव की पूजा करते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। समझते थोड़े ही हैं कि ये पतित पावन है, फिर भी पुकारते रहते हैं, ये पतित पावन आओ, आकर हमको गुलगुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, बच्चे पवित्र बनो। इस पर ही हंगामे होते हैं। बाप वंडरफुल है ना, बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कर दे। बाप जानते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म आत्मा ही करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। ये तो बाप ही जानते हैं कैसे माया अप कर लेती है। बाबा हमने हार खा ली, काला मुंह कर लिया, अब क्षमा करो। क्या बाबा क्षमा कर रहे हैं? नहीं, अब गिरा और माया का बना फिर क्षमा काहे की। उनको तो फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत है जो माया से हार जाते हैं। बाप कहते हैं ये बाप पास दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना।
नहीं तो खलास हो जाएगा, दिया हुआ दान भी खत्म। हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया 100 गुना दंड बढ़ गया, फिर बहुत हल्का पद पा लेंगे। बच्चे जानते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है और जो धर्म स्थापना करते हैं उन्हों की पहले राजाई नहीं चलती, पहले वो आकर धर्म स्थापना करेंगे, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी, जब संख्या बढ़ जाती है तब राजाई बनती है। रजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो, तब लश्कर बने। शुरू में तो आते ही हैं 1-2, फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे, बैगर रूप में पहला नंबर वाला, फिर जरूर लास्ट नंबर होगा। जो सबसे बड़ा बेगर बना वो पहला नंबर भी बना और वो लास्ट नंबर भी बना। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बेगर रूप में है। समझते हैं पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो जरूर हर एक को बनना ही है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत है, इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे क्राइस्ट से 3000 साल पहले हैवन था, फिर जरूर अब होगा। परंतु ये बातें समझावे कौन, कोई समझाने वाला भी चाहिए ना। बाप कहते हैं अभी वो अवस्था बच्चों की कहां है, घड़ी घड़ी लिखते हैं, हम योग में नहीं रह सकते, बच्चों की एक्टिविटी से समझ जाते हैं, बाबा को समाचार देने से भी डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से आकर नमस्ते करते, बाबा बच्चों को नमस्ते करते, बच्चे फिर बाप दादा को नमस्ते करते। बच्चों को माया भुला देती है, बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूं। जानी जाना हर का मतलब ये नहीं कि मैं सबके अंदर की जानता हूं, मैं आया ही हूं पढ़ाने के लिए, ना कि पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। मैं किसको रीड नहीं करता हूं कि इसके अंदर क्या चल रहा है, मुझे पढ़ाना है बस। इनको सब कुछ भूलना है, ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे, इनको सब कुछ भूलना है, रीड फिर क्या करेंगे। तुम यहां आते ही हो पढ़ने, भक्ति मार्ग ही अलग है, ये भी गिरने का उपाय चाहिए ना, इन बातों से ही तुम गिरते हो, ये ड्रामा का खेल बना हुआ है। ये ड्रामा का खेल बना हुआ है, भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो, अभी तुमको इस छी दुनिया में बिल्कुल नहीं रहना। कलयुग से फिर सतयुग आना है, अभी यह है संगम युग, ये सब बातें धारण करनी है। बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गॉडरेज का ताला
लगा हुआ है। तुम समझते हो ये देवी गुण वाले थे, फिर आसुरी गुण वाले बने, बाप समझाते हैं अब भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ, अब मैं जो सुनाता हूं वो सुनो, यर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, टाक नो इविल, अब मुझे एक से सुनो। अभी मैं तुमको तारने आया हूं, तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए हो, मुख कमल हुए हो ना, इतने सब एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनको आदि देव कहा जाता है। महावीर भी कहते हैं, तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हैं, पाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियां भर कर देते हैं, तुमको माला माल बनाते हैं। जो ज्ञान धारणा करते हैं वे ऊंच पद भी तुमको माला माल बनाते हैं। जो ज्ञान धारण करते हैं वो ऊंच पद पाते हैं, जो धारणा नहीं करते तो जरूर कम पद पाएंगे। बाप से तुम कारून का खजाना, कुबेर का खजाना पाते हो। अल्लाह अवल दीन की कथा है ना, तुम जानते हो वहां हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए वर्षा बाप दे देते हैं, बेहद के बाप का बेहद का वर्षा देते हैं, हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद जरूर करते हैं। हे परमपिता परमात्मा रहम करो, कहीं से भी आओ। थोड़ा ये किसको पता थोड़ा ही है कि वो क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा सामने बैठे हैं, साधारण स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनाएंगे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बाप कितना अच्छी रीति समझाते, तुम पर समझा नहीं सकते, तुम पर समझा नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली, आत्मा बोलती हम कंगाल है, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो, कहते हैं हम तो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना चाहते हैं। हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं, ये पढ़ाई ही नर से नारायण बनने की है, पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी बताओ। परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे, कोई 25% पुरानी में आएंगे, कुछ कमी तो पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। अभी नर्क के मालिक भी सब है ना, राजा रानी प्रजा सब क्या बन गए हैं, नर्क के मालिक। वहां थे डबल सिरताज, अभी बन गए हैं, अब वो नहीं है। आज कल तो धर्म आदि को कोई मानते नहीं, देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया है। गाया जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म को ना मानने कारण
ताकत नहीं रही है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम ही पूज्य से पुजारी बने हो, 84 जन्म लेते हो, ना हम सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, बुद्धि में ये सारा चक्र आता है ना, ये 84 का चक्र हम लगाते ही रहते हैं। अब फिर वापस घर जाना है, पतित कोई जा ना सके, आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है, सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं पड़ती। यह है ज्ञान अग्नि, जिसमें सारा ज्ञान क्या होता है, पिघल करके। ज्ञान अग्नि में जिससे सारी खाद निकल जाती है, तुम पक्का पक्का सोना बन जाएंगे, फिर जेवर भी तुमको अच्छा मिलेगा। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करती है, करती तो सब कुछ आत्मा है। अब बाप समझाते हैं बच्चे, सिर्फ मां में कम तो बेड़ा पार हो जाए। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे, अब जो जितना पुरुषार्थ करते करेंगे सबको यही परिचय देते रहो, वो हद का बाप, ये बेहद का बाप, संगम पर ही बाप आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने। तो ऐसे बाप को याद करना पड़े ना, टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या, परंतु ये यहां माया भुलाती रहेगी। बड़ी खबरदार रहना है, युद्ध का मैदान है ना, बाप कहते हैं अब विकार में मत जाओ, गंदे नहीं बनो, अब तो स्वर्ग में चलना है, पवित्र बनना है। अब तो स्वर्ग में चलना है, पवित्र दुनिया, पवित्र बनकर ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तुमको विश्व की बादशाही देता हूं, कम बात है क्या, सिर्फ ये एक जन्म पवित्र बनो। अब पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, टेम्पटेशन तो बहुत है, लालच तो बाबा कहते बहुत है, काम पर जीत पाने से तुम जगत के मालिक बनेंगे। तुम सिर्फ कह सकते हो परमपिता परमात्मा है जगत गुरु, जो सारे जगत को सदगति देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है, सर्विस लाइक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिससर्विस नहीं करना। दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है, दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी ना आए। वरदान, डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भाव। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है, सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी,
और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी भी को भी छिपाने वाला काला बादल हो वो भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे, रास्ता दिखाने वाले बन जाएंगे। स्लोगन है, स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों को माया सहज, दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।